हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और तोरण डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ, दो कलर में। इस वाले कलर से हम स्टार्टिंग करेंगे तोरण पट्टी की। तो तोरण पट्टी के लिए हमें 140 चेन लेनी है। 140 चेन में फुल तोरण पट्टी बनेगी। तो ये देखिए, ये हमने 140 चेन ले ली है, यानी 140 चेन ले लेनी है फुल तोरण बनाने के लिए। अब इसके ऊपर हम नेट बनाएंगे दो चेन छोड़ के, और फिर स्टार्टिंग करेंगे थर्ड वाले में डाल के। एक चेन लेनी है और एक नीचे छोड़ देनी है, एक छोड़ के सेकंड में डालनी है दूसरी में। फिर एक चेन लेनी है और एक छोड़नी है, नेक्स्ट में डालनी है। इस तरह से ये हमें नेट बनाना है। इस तरह का नेट आ जाएगा, कंटिन्यू बना लेंगे ये राउंड। एक चेन ऊपर, एक चेन नीचे छोड़ देनी है। ये देखिए, नेट हमारा बन गया है। अभी हम नेक्स्ट राउंड में, थ्री चेन हो गई हमारी, फोर और फाइव, फाइव चेन लेनी है और इस पर एक छोड़ के दूसरे पर बांध देना है सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पे इस तरह से ये बना लेने। ये देखिए, ये राउंड हमारा हो गया कंप्लीट। इस तरह से ये बना लेना है। अब हम थर्ड राउंड में कलर चेंज करेंगे और फोर्थ राउंड वापस हमारा नेट वाला होगा। तो अभी हम कलर चेंज करेंगे, रेड कलर लगाएंगे बीच में। जो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके, वो हम रेड कलर के बना लेंगे। ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर से। डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। दो, चार, छः, सात, सात डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाए। और अब सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ देना है। इस तरह से हर एक में सात सात डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आएगा। फिर लास्ट में हम एक नेट वाला और राउंड बना लेंगे। इस तरह से रेड कलर हमारा बीच में आ जाएगा और साइडों में ये वाला कलर रहेगा दोनों साइड में।
ये देखिए ये हमारा रेड का राउंड कंप्लीट हो गया है, रेड कलर का। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हम नेक्स्ट राउंड नेट का ही बनाएंगे, लेकिन नेट बनाने से पहले हमें ये वाला राउंड बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर फिर नेट बनेगा। तो ये हम कैसे बना रहे हैं, बीच में 5 चेन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, वो ये वाला जो बीच है इसमें 7 डबल क्रोशिया लिए हैं, 3 इधर छोड़ देने हैं, 3 इधर छोड़ देने हैं, बीच वाले पे इसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेने। फिर 5 डबल करो चेन, 3 4 5 5 चेन के बाद फिर हमें इसके बीच में बांध लेना है, 3 3 छोड़ के साइडों में सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से राउंड करके उसके ऊपर नेट बनाएंगे। फिर ये देखिए इस राउंड के बाद अब हमें इस पर नेट बना लेना है, सेम ऐसे ही ये नेट बन जाएगा। अब चेन बीच में लग के और एक बीच में डाल लेंगे, एक चेन और फिर नेक्स्ट। ये इस तरह से ये तोड़न पट्टी हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सुंदर तोड़न पट्टी है और आसान भी है, तो आसानी से बन जाएगी। ये देखिए तो ये राउंड इस तरह से नेट का बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तोरण पट्टी बन के तैयार है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है ये देखिए। तो इस तरह से तोरण पट्टी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी ये तोरण पट्टी का डिजाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।